फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0। तो स्लोप आपको कितना दिया हुआ है 0, व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, अब देखो यहां कंफ्यूज बच्चों कैसे कर रहा है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस उसने बोल दिया, ताकि बच्चे क्या करें, बच्चे जो है सर्च करने लगे कि यार एक से ज्यादा टेंजेंट की इक्वेशंस क्यों नहीं आ रही है ना, शायद एक ही टेंजेंट आए। आओ जरा चेक करते हैं, ये इसका असली ग्राफ मैंने बना रखा है। बच्चा बोलेगा कि मैं कैसे बनाऊं, आप टेंशन मतलब बस विजुलाइजेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आप कोई रफ कर्व बना लो, आप कोई रफ कर्व बना लो और सोचो कि कोई कर्व है और उस कर्व का इक्वेशन क्या है, मतलब ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, तो यही वाई है जो कर्व आपको दिया है और इस पर एक टेंजेंट पास करता है। कौन से पॉइंट से? टेंजेंट T1 है कोई, एक टेंजेंट की पहले तो बात करो आप। ठीक है, X1, Y1 से पास करता है। ठीक, अब ध्यान दें, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा ब्रैकेट लगाया ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया, X²-2X+3 की होल पावर, भाई नीचे अगर कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर जाके पावर -1 आ गया और ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हुई तो इतनी आ जाएगी। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिखा, ताकि हमको डिफरेंशिएट करने में ईजी हो। तो हमने इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो dy/dx = हाँ भाई इसको छुपा लो, पहले पूरे का करोगे तो -1 आएगा आगे। ठीक, और ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है एज इट इज़ ये कॉपी हो जाएगा और इसकी पावर में हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो -1 और -1 -2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। dy/dx ऑफ इसका भी तो करोगे भाई, पहले पूरे का कर लिया और फिर अंदर का भी तो करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो dy/dx ऑफ व्हाट, X²-2X+3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों ये वाला पोर्शन देखो, ये तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन, इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव X²-2X+3 की पावर, जब ये ऊपर था तो -2 था, नीचे आ गया तो ये इसकी पावर +2 हो जाएगी into, हाँ भाई X² का डेरिवेटिव क्या होता है 2X, -2X का -2 और 3 का 0 होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो, इसी बात को आप लिख सकते हो, चाहो तो अंदर ये -1 से उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और 2X कैसा हो जाएगा नेगेटिव, हमने -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपॉन में X²-2X+3 का होल स्क्वायर। अब सुनो, आपने क्या बोला था कि dy/dx एट द पॉइंट X1, Y1 ही क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि X=X1 अगर हमने इसमें रखा तो ये क्या हो जाएगा 2-2X1 upon X1² और -2X1 + 3। ठीक है, अब यही क्या आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0, यानी कि इसको उठा के हम 0 के इक्वल रखेंगे तो शायद हमें X1 मिल जाए, यानी कि 2-2X1 upon X1² - 2X1+3 = 0। अब बच्चे इसको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अरे यार सिंपल सा फंडा है, सुनो एक बार बताओ, अगर हमने बोला कि भाई m अपॉन समथिंग 0 आ रहा है तो आप बोलोगे नीचे n थोड़ी ना 0 हो जाएगा यार, m 0 होगा बिकॉज 0 अपॉन समथिंग ही तो 0 होता है, तो m को 0 होना पड़ेगा हमेशा। अगर समथिंग अपॉन समथिंग 0 है तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ता है, ये थोड़ी ना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 नहीं होगा, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2-, या आप एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर भेज दो, जो करना है कर लो, तो 2-2X1 = 0, इसको उधर भेजो तो 2 = ये जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 2X1 नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, डिवाइडिंग बाय 2 से 2 कटा इधर 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटा तो X1 की वैल्यू क्या गई 1। अब एक बार बताओ मुझे, क्या X1 की दो वैल्यूज आई इस बार, नहीं आई है ना, तो बताओ दो टेंजेंट कैसे हो जाएंगे, यानी कि अगर X1 की एक ही वैल्यू है और ये X1, Y1 टेंजेंट पे भी लाई करते थे कर्व पे भी, तो ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि Y1 अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ से निकाल सकते हो, कर्व से जाके। तो हमने क्या किया, इस X1, Y1 को ले जाके कहाँ पुट कर दिया, कर्व में पुट कर दिया। ठीक है, X1 तो आ चुका है मेरा, कितना आया है 1, और एक ही X1 आया है, ध्यान से समझिए जरा, तो Y1 मेरा कितना जगह, यहाँ पे कर्व में X की जगह X1, Y की जगह Y1 रखो, क्योंकि X1, Y1 कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो Y1 = 1 upon X की जगह X1² - 2X1 + 3, करेक्ट, की होल पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब X1 की वैल्यू डाल दो इसमें, क्या हो जाएगा 1 upon, हाँ भाई X1², X1 कितना है तुम्हारा 1 है, X1 कितना है 1, तो 1² - 2X1 = 2×1 = 2 + 3, तो सॉल्व करेंगे इसको, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1-2-1-1+3 2, तो 1/2 आ गया Y1, यानी कि आपका जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास कर रहा है 1, 1/2 से। दिखाऊं, आओ जरा, ये असली ग्राफ था, अब ध्यान चेक करो, ये X-axis, ये Y-axis, ठीक है, ये 0 है ओरिजिन 0, 0, यहाँ कहीं 1 है। ठीक है, तो ध्यान चेक करो, अगर यहाँ कहीं 1 है तो 0, 1 के मिडिल में क्या आएगा 1/2, अरे यार 0, 1 के बीच में तो 1/2, इनके 0.5 आएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है सपोज
हाँ वन, ठीक है, तो चेक करो, वन कॉमा वन अपॉइंट टू, यही वाला पॉइंट तो क्या है, वन कॉमा वन अपॉइंट टू, ठीक है। और यहीं से जो टेंजेंट जाएगी वो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्स डैश है, ठीक है। तो यहीं से जो टेंजेंट पास करेगी कहाँ से, वन कॉमा वन पॉइंट टू से, वही तो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी भैया। और जो टेंजेंट या कोई भी लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल होती है उसका स्लोप कितना होता है, जीरो। यही तो बोला था क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप जीरो, तो भैया ये एक्स एक्सेस के पैरेलल तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस समझ में। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप आपको इस टेंजेंट का कितना दिया हुआ है इन्होंने, जीरो दिया हुआ है। और ये टेंजेंट पास कहाँ से कर रही है, वन कॉमा वन पॉइंट टू, यानी कि आपको एक्स वन वाई वन या एक्स नॉट वाई नॉट आप कुछ भी बोल दो, तो ऐसी टेंजेंट जिसका स्लोप हमको पता हो, ठीक है, और वो पास कर रही हो किसी पॉइंट से, तो उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप, स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे देखते हैं जरा, तो इसको हम निकाल लेते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। x नॉट y नॉट क्या होते हैं, जहाँ से ये पास करती, कहाँ से पास करी, 1 कॉमा 1 अपॉइंट 2 से, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या रखेंगे, 1, उल्टा मत रख देना, पता लगा y वाली x में x वाली y में रख दी, गलत हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट क्या होता है, स्लोप, स्लोप कितना दे रखा है, जीरो, तो इसकी जगह जीरो पुट करोगे, y माइनस वाई नॉट, वट इज वाई नॉट, ये वाई वन, जहाँ से वो पास कर रहा है उसका वाई कॉर्डिनेट 1.2, राइट हैंड साइड जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो y माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू हाफ जाएगा राइट में, तो पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू 1.2, y इज इक्वल टू 1.2 क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग x के पैरेलल होता है, तो चेक कर लीजिए आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट हुज स्लोप इज व्हाट, जीरो, और एक ही टेंजेंट आएगी, ध्यान दीजिए, मैंने कर्व से भी आपको वहाँ पर प्रूफ कर दिया, दूसरी टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं पॉसिबल है, कोई बोलेगा हम तो बनाएंगे टेंजेंट, बना लो टेंजेंट, यहाँ पे बनाओगे टेंजेंट, लो बनाओ, ठीक है, ये इस पॉइंट को टच करके जा रही है, लेकिन भैया ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये भी टेंजेंट इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करके जा रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि इस कर्व पे जो कि असली वाला कर्व था, इसका, इस कर्व की जो इक्वेशन दी थी उससे हमने इसको प्लॉट किया है, आपको नहीं करना है, आपको बस विजुलाइज करना है, तो उस पर केवल एक ही टेंजेंट 1.1.2 से पास करती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरी टेंजेंट ना तो पॉसिबल है और ना ही उसकी इक्वेशन पॉसिबल है जिसका स्लोप जीरो हो, यानी कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, कर लीजिए।